हाय गाइज, कैसे हो आप लोग? फिर से आपका स्वागत है नीलेश क्लासेस यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज की मैं वीडियो में लाया हूँ हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी जो है हिंदी महत्वपूर्ण कृति एवं मतलब कृति और उनके रचनाकार का नाम लाया हूँ। सो गाइज, आपको आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, जिससे आपको कुछ कृति और उनके रचनाकारों का नाम तैयार होने वाला है। सो गाइज, ये आपके एग्जाम में हर साल पूछता है, और मैंने जो कई बार पूछा है यानी जो इम्पोर्टेंट यानी बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें ही मैंने इसमें लिखा हुआ और उन्हें मैं बताने वाला हूँ कि कौन कृति है और उनके कौन रचनाकार है। सो गाइज, अगर आप मेरे यूट्यूब पे नए हैं तो प्लीज़ गाइज लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो गाइज, मैं वीडियो में आपको आगे बताता हूँ। सो गाइज, आपको ये क्या शुरू में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन रहता है कि ये कृति दे दी रहेगी, और उनमें से किसी एक का यानी एक नंबर का रहेगा, किसी एक के रचनाकार का नाम लिखना रहेगा। सो गाइज, आपको मैं बताता हूँ। तो मैंने पहला क्या लिखा है कि चिंतामणि, तो ये आपको पूछ देगा चिंतामणि, तो चिंतामणि ये एक कृति है और इसके रचनाकार का नाम आपको लिखना रहेगा, जो पूरे आपको एक नंबर के होंगे। तो गाइज मैं बता रहा हूँ, तो आपको चलिए मैं आगे ले चलता हूँ। तो क्या है चिंतामणि? तो चिंतामणि के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये बहुत ही फेमस है, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और इस बार भी पूछ सकता है। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ये है कि जनमेजय का नागयज्ञ, तो ये जनमेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद, ये भी बहुत ही मतलब बहुत प्रसिद्ध रचना है, ये भी कई बार आपके मतलब एग्जाम में पूछ चुका है। और ये मेरी यूरोप यात्रा, आप लोग इसे जानते ही होंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब ये मतलब जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूरोप गए थे, तो उस पर एक अपना एक लिखे जो अपने उसमें पढ़ा हुआ है कि मेरे यूरोप यात्रा, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और विश्व साहित्य की रूपरेखा, तो ये विश्व साहित्य की रूपरेखा कृति है और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। और सज्जन, तो सज्जन के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। और कुछ बिखरे पन्ने, तो गाइज कुछ बिखरे पन्ने के रचनाकार हैं पद्मलाल पूनालाल भक्सी। और ये रेती के फूल, तो रेती के फूल के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कुछ बिखरे पन्ने और सज्जन। सो गाइज आगे बढ़ता हूँ, और आगे क्या है मैंने लिखा हुआ है अनंत के प्रकाश, नर के नारायण। सो गाइज, रेती के फूल के रामधारी सिंह दिनकर जी है, और अनंत प्रकाश, तो जो अनंत प्रकाश है वो जयप्रकाश भारती। तो इसमें आपको एक ट्रिक भी मिल रहा है कि अनंत प्रकाश, तो ये प्रकाश इस बार है, तो इसके हो जाएंगे जयप्रकाश भारती। और ये नर से नारायण, तो ये नर से नारायण कृति के रचनाकार गुलाब राय है। और भूतनाथ, तो भूतनाथ के देवकी नंदन खत्री, तो भूतनाथ के रचनाकार देवकी नंदन खत्री। और साहित्य अवलोकन, तो साहित्य अवलोकन के विनय मोहन शर्मा, तो साहित्य अवलोकन के विनय मोहन शर्मा। और बाण भट्ट की आत्मकथा, ये बहुत और ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कई बार हमेशा कई बार पूछ रहा है, इस बार भी पूछ सकता है। सन्यासी, तो सन्यासी के हैं इलाचंद्र जोशी, इलाचंद्र जोशी, तो सन्यासी के इलाचंद्र जोशी। और ये है रश्मि मानसा यानी रामचंद्र शुक्ल, रश्मि मानसा रामचंद्र शुक्ल। और ये आत्मकथा, तो आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो गाइज मैं आगे बढ़ता हूँ, और गाइज अब आगे है इंद्रजाल, तो इंद्रजाल के लेखक है मतलब रचनाकार जयशंकर प्रसाद। और अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। और हिमालय की पुकार, तो हिमालय की पुकार के रचनाकार है जयप्रकाश भारती। और इंद्रजाल, तो इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद। सेवा सदन, तो सेवा सदन प्रेमचंद्र। दीपदान डॉक्टर राजकुमार शर्मा, ये गाइज आपने 9 में पढ़ा होगा, या दीपदान का डॉक्टर राजकुमार शर्मा। और मिट्टी की ओर, तो मिट्टी की ओर के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मिट्टी की ओर, तो रामधारी सिंह दिनकर। और ये ठुंडा आम भगवत शरण
भगव शरण उपाध्याय और अथासागर जयप्रकाश भारती। सो गाइज, ये सारे के सारे जो मैंने कृति और रचनाकार आपको ये मैंने जो बताया, ये गाइज ये आपके पिछले एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो मैंने इनको बता दिया। इनमें से आपको जरूर एक दो नंबर का आपको जरूर फंसेगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हाँ गाइज, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नीलेश क्लासेस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबा ताकि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।